हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अब हो गया 11:30 बजे व्लॉग स्टार्ट किया है, बिकॉज इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रात को 2 बजे तक मैंने अपलोडिंग करी है। तो गाइस, आपको पिछले व्लॉग में पता ही होगा कि मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो खैर वो तो अभी भी नहीं चल रहा है। तो भाई, जब नेट नहीं चल रहा होता तो कितनी परेशानी हो जाती है, तो उसी चीज़ को फेस करते करते मैंने पूरी रात 2 बजे तक अपलोडिंग करी, बिकॉज मैं फ़ोन से अपलोड कर रहा था, तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए आज सुबह लेट आँख खुली है, तो इसलिए आज ब्लॉग भी लेट स्टार्ट हुआ है। गाइज, अभी भी प्रॉब्लम वही आ रही है कि यार इंटरनेट नहीं चल रहा। तो यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लाइव में कभी भी इंटरनेट बंद हो गया ना, तो भाई मुझे लग रहा है पूरी लाइव बंद हो जाएगी, बिकॉज इससे यार अपना काम भी सारे बंद हो जाते हैं, ऑफिस वर्क भी सारे बंद हो जाएंगे, इंटरनेट से अपना यूट्यूब का भी वर्क सब कुछ बंद हो जाता है यार अगर इंटरनेट नहीं चलता। अभी तो फिलहाल फ़ोन से ही काम चला रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, पर यार वो स्पीड नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। वैसे मैंने कॉल वगैरह करी थी, तो यार उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं किया जिससे मुझे संतुष्टि हो। तो भाई, अभी मेरी कंप्लेंट वगैरह सब कुछ लिख गई है, पर अभी उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं करा। पर जब जैसे जैसे खैर उन्होंने बोला है वैसे कि 12 बजे तक जो है आपका इंटरनेट चल जाएगा। तो गाइज, होप कि 11-12 बजे तक चल जाए। तो अभी तो 11:30 हैं, तो अभी आधा घंटा है वैसे भी, पर खैर अब तो मैं सारी रात से भी और सुबह से भी बिना इंटरनेट के हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे तो सब सही लग रहा है। चलो, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइल वगैरह लग रही है, तो यही सब देख रहा था मैं, बाहर टाइल वगैरह लग रही है। तो गाइस, घर में तो इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो भाई मैं सोचा यार क्यों टाइम वेस्ट करो, अपना बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो भाई मैं आ गया हूँ बाहर, तो यार घर पे तो हो गया था मैं बोर, क्योंकि भाई कोई काम नहीं चल रहा है इस टाइम। तो अभी चलते हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए, आसपास ही यहीं पे आसपास कहीं ना कहीं घूम लेंगे थोड़ी देर, 1-2 घंटे, क्या पता उसके बाद नेट चल जाए, तो घूमते हैं। चलो, फिलहाल तो गाइस आ गए मेट्रो वॉक में। तो यार मेरे घर के यही सबसे पास में, तो इसलिए भाई यहीं पर ही आ जाते हैं सबसे पास में, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास हो जाएगा। तो 1-2 घंटे वगैरह टाइम पास घूम के फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर आ गए यार, काफी मजा आ रहा है, काफी ज्यादा खाली पड़ा है पूरा का पूरा। आज तो बहुत ज्यादा खाली पड़ा है, और उस दिन जो हम आए थे दिसंबर 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन, उस दिन तो इतना ज्यादा रश था यहाँ पे कि फुल था, पर अब इस टाइम खाली है। तो पीछे देख सकते हो आप कितना बढ़िया झील है, तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। गए जी, हमारे दोस्त मिल गए अभी, तो आपका किस चीज़ से जाना है भाई? वैगाबॉन्ड लॉग्स हमारे। अच्छा, तो अभी मुझे मेट्रो वॉक में मिले, तो अभी अच्छी दोस्ती होगी वैसे। कोई बात नहीं भाई, फिर मिलेंगे, फ्यूचर में मिलते रहेंगे आगे, और बनाते रहेंगे आगे साथ में, हम मिलेंगे साथ में देखने को आपको। हाँ, जरूर मिलेंगे भाई, तो आज मिले फिर, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। तो अभी गाइस फिलहाल हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे हमें यहाँ पे मेट्रो वॉक में, तो गाइस बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। तो पता नहीं कैसे मिल गए, मतलब अचानक से उन्होंने पहचान ही लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है वैसे। कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना। तो गाइस अभी तो हम ऊपर घूम रहे हैं वैसे फ्लोर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस मास्क जरूर पहन के रखो, क्योंकि मास्क के बिना बहुत ज़्यादा अनसेफ यूज़ हो रही है सब चीज़। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मास्क जरूर यूज़ करो। तो यार मैंने भी मास्क पहन लिया, फिलहाल यहाँ पे जो गार्ड वगैरह है वो सबको बोल ही रहे मास्क वगैरह पहनने के लिए, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहने।
फिलहाल तो गाइज आ गए हैं बाहर, तो अब चलते हैं घर। तो काफ़ी देर हो गई यार यहाँ पे घूमते घूमते, तो चलते हैं। कोरोना में वैसे भी ज़्यादा घूमना सेफ नहीं है, वैसे मैं आ गया था फिलहाल, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो चलते हैं फिर। तो गाइस फिलहाल तो आगे मेट्रो बॉक्स है, तो अब थोड़ा मास्क वगैरह उतार सकते हैं। तो गाइस आज तो वैसे बहुत कम रश था, तो अभी टाइम हो गया है देख सकते हैं 1:42। तो गाइस 1:42 हो चुके हैं, काफी मजा आया वैसे, बढ़िया था एकदम। पर यार इतना ज्यादा रश नहीं था उस दिन, 25 वाले दिन तो बहुत ज्यादा रश था, तो आज सही रहा, सही देख लिया। पर इतना यार डेकोरेटेड नहीं कर रखा था जितना पहले पिछले साल कर रखा था। मे बी आई थिंक शायद कोरोना, इसलिए इन्होंने ज्यादा डेकोरेशन नहीं करी ताकि लोग कम आए। तो ये तो बात सही है यार, वैसे कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है दिल्ली में तो खासकर। तो भाई मास्क वगैरह तो पहना, खैर मैंने भी इस टाइम मास्क नहीं पहना क्योंकि मैं इस टाइम गाड़ी में हूँ, वो भी अकेले। तो कोई नहीं, मैं वहां पर था तो मैंने यार यूज किया था। तो फिलहाल अब चलते हैं घर पे, क्योंकि आई होप कि यार नेट चल गया होगा। तो यार लिटरली अगर नेट नहीं चल रहा ना तो मेरा दिमाग खराब हो रखा पूरा का पूरा, मतलब नेट के बिना कोई काम नहीं हो रहा। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। फिलहाल आ गए हैं घर पर, अभी तक नेट नहीं चला है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। अब दोबारा से कंप्लेंट करूंगा, उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल अभी करते हैं लंच, तो पहले लंच करते हैं, लंच का टाइम हो गया। गाइस फिलहाल तो आ गए हम पार्क में, क्योंकि आज कुछ काम ही नहीं करा इसलिए आज अब पार्क में आ गया। मम्मी ले आई मेरे पार्क में, ये बैठे। साढ़े चार हो गए, मुझे लग रहा है शायद अब तो नेट चली गया होगा, तो जाकर देखते हैं तब पता चलेगा नेट चल रहा है नहीं चल रहा। फिलहाल तो गए घर पर आ गए, तो अभी घर पर आकर देखा तो भाई नेट वगैरह चल रहा है, तो अब मैंने सिस्टम वगैरह ऑन किया है, तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत वर्क, क्योंकि सुबह से कुछ वर्क नहीं किया तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए अभी तक खाना, तो इसलिए रोटी लेके आनी पड़ेगी अब अंदर से, तो ये डेली आ जाती है खाने के लिए, अंदर का अंदर जाएगी, अंदर बैठेगी, मम्मी मारेगी। रुक जा अभी लेके आता हूँ। तो वैसे रोटी तो मिली नहीं पर ब्रेड मिली है, तो सर ब्रेड ही देते हैं। वाओ यहीं बैठ गए आराम से हैं, रुक जा यार इसको, चल नीचे वहीं बाहर, चल बाहर आजा। तो गाइस डिनर आ गया है, डिनर में रोटी और दही आलू जो मेरे फेवरेट है, और ये चुकंदर। गाइस आ जाएगा मज़ा क्योंकि मेरे फेवरेट हैं दही आलू। तो चलते हैं अब खाने के लिए।
गाइस फिलहाल एडिटिंग हो गई है कंप्लीट, तो अभी पूरा डन हो गया। मैंने ऑफिस वगैरह का सारा काम कर दिया था, तो आज जो भी है नेट वगैरह का, तो ये नेट वगैरह की इशू वगैरह जो भी था वो सब सॉल्व हो गया। एडिटिंग पूरी हो गई है, तो अपलोडिंग वगैरह करनी है, उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने सोएंगे। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।